हेलो, दिस इज बबलू सर एंड यू आर वॉचिंग इज टू लर्न इंग्लिश स्पोकन चैनल। और आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो टॉपिक है जागना जगाना या फिर उठना उठाना, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम रहती है, कुछ सिमिलर वर्ड आपने पढ़े होंगे जिनमें कंफ्यूजन रहती ही है आपको, कि इन सिमिलर वर्ड में कौन सा वर्ड कब यूज करना है। सर, आपका यही डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा अवेक। अवेक का मीनिंग जागना या फिर जगाना होता है। बट ध्यान में रखना, ये जागना या जगाना तब यूज किया जाएगा जब एक्सीडेंटली आप किसी की नींद को तोड़ते हैं। मींस नींद टूटे, वो भी एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मतलब बाय चांस हॉर्न बज गया, या मान लीजिए कुछ गिर गया घर में और तब कोई उठे। मतलब नींद पूरी करे ना और उससे पहले उसकी नींद टूट जाए। एक तो होता है नींद पूरी करके उठना, बट यहां कंडीशन है एक्सीडेंटली नींद टूट जाना होता है अवेक। तो जब भी आप यूज करें इस तरीके से कि मेरी जो नींद है वो ये गिरने से, हॉर्न बजने से, मतलब एक्सीडेंटली मैं उठा, तो उस कंडीशन में आपको यूज करना अवेक। जैसे आप किसी के सामने अवेक यूज करेंगे, आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किस कारण उठा, बट आप अवेक यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आपकी नींद पूरी नहीं हुई। तो जब भी नींद पूरी ना और आप उठ जाएं तो अवेक यूज कीजिएगा। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हो सकता है द ट्रैफिक नॉइस कैप्ट मी अवेक, है ना। मान लीजिए आपका घर बहुत शांत है, मान लीजिए आप खेतों में रहते हैं तो आपको व्हीकल वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट कहीं आप गए सिटी में अपने रिलेटिव के यहाँ और वहां ऑन द रोड उनका घर है, तो बड़ी प्रॉब्लम रही और पूरी रात टी टी पो पो टी टी पो पो रही, और आप बता रहे हैं आप सुबह उठ के कि ट्रैफिक ने मुझे जगाए रखा। इस तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है यहां पे, डोंट वरी आई विल अवेक हिम ऑन टाइम, है ना, कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उसको उठा दूंगा समय पे। समय पे उठा दूंगा मतलब नॉर्मली नहीं उठता है, कल उनको कहीं जाना है, तो इस कंडीशन में बोले कि आप उठा दोगे क्या? हाँ मैं उठा दूंगा। तो ये चीज किसी को भी बोली जा सकती है। मीन्स एक लेडी को बोली जा सकती है उसके पति के लिए, या पति को बोला जा सकता है उसकी वाइफ के लिए, या भाई को बहन के लिए, माँ को बेटे के लिए, बेटी के लिए, किसी के लिए बोला जा सकता है ना। सो मैं उठा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उठा दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से मीन्स नॉर्मली नहीं उठेगा वो, उसको उठाया जाएगा। सो ये है अवेक, जब नींद पूरी ना और किसी को उठाया जाए या उठ जाए, नींद का टूटना। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा वेकअप। वेकअप भी जागना या जगाना होता है, बट यहां एक अच्छी बात यह है कि वही है जो आप सुबह मींस नींद पूरी करके जब आप उठते हैं तब वेकअप आता है। तो जब भी आप किसी को बोलेंगे वेकअप, तो वो समझ जाएगा आपकी नींद टूटी नहीं है, आप पूरी नींद करके उठे हैं। तो जब आपकी नींद पूरी हो और तब आप उठते हैं तब आएगा वेकअप। तो इनकमिंग टाइम गलत मत यूज कीजिएगा। हाँ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप गेटअप यूज कर रहे हैं तो कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है कि आपने गेटअप यूज किया। जैसे मान लीजिए आपने बोला आई गॉट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठा रहा, आप नींद पूरी करके ही उठे हैं, तो गेटअप गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज आपको जरूर पता होना चाहिए इनकमिंग टाइम जब आपके सामने कोई यूज करता है, या जब बात आपकी खिंचाई की आती है और तब कोई आपसे पूछ ले क्या गेटअप सही है, तो उस कंडीशन में आप उसको बता पाए कि गेटअप से काम चल जाता है, सही जो होता है नींद पूरी करके उठना वो वेकअप होता है। चलो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहां पे हो सकता है माई मदर वेक्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी माताजी सुबह 4 बजे उठती है, तो वो नींद पूरी करके उठती है क्योंकि मैंने वेकअप यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है आई कांट वेकअप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी मम्मी तो 4 बजे उठती है, मैं तो 5 बजे भी नहीं उठ सकता नींद पूरी करके, मेरी नींद तो 8 बजे पूरी होती है। इस तरीके से हो सकता है। सो ये रहेगा आपका वेकअप। और नेक्स्ट है हमारा गेटअप। गेटअप का मीनिंग होता है उठना या फिर उठाना। तो जब भी आप उठने या उठाने की सेंस यूज करेंगे तो उस कंडीशन में गेटअप यूज करते हैं। ये नींद से उठने के लिए भी यूज कर लिया जाता है। सो चलो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा यू शुडंट गेट अप अगेंस्ट द मैनेजर इन वन ऑफ हिज बैड टेम्पर्स, है ना। उस मतलब अगर आपका बॉस किसी कंडीशन में आपके ऊपर गुस्सा करता है तो आप उसके खिलाफ ना जाएं, उसके खिलाफ ना उठ खड़े हो। इस तरीके से यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं यहाँ पे बात करूंगा, हिज इलेक्शन कैंपेन इज बिगनिंग टू गेट अप स्टीम, है ना। अब वो मतलब बूम पे आ गया, उठ गया है उसका जो इलेक्शन कैंपेन है वो। इस तरीके से हो सकता है। सो ये रहेगा आपका गेटअप। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा स्टैंड अप। स्टैंड अप का मीनिंग होता है खड़े होना या फिर उठना। वो गेटअप भी था, बट गेटअप में क्या, जब आप किसी को गेटअप बोलते हो तो वहां से उठ के कहीं और भी बैठ सकता है।
बट जब आप स्टैंड अप की बात करेंगे तो ध्यान में आपको ये रखना है कि स्टैंड अप अगर किसी ने यूज कर दिया तो स्टैंड अप का सीधा सीधा मतलब ये है कि खड़े रहो, बैठना नहीं है, वो भी सीधे। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते, एग्जाम्पल हो सकता है ही डिडंट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू स्टैंड अप, उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो खड़ा हो सके, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है आई फेल्ट वेरी फुलिश हैविंग टू स्टैंड अप एंड गिव अ स्पीच, है ना, मैंने अपने आप को बहुत मूर्खता, मतलब मूर्ख समझा मैंने अपने आप को, मूर्खता मैंने की, मैं खड़ा हुआ और मैंने भाषण दिया। तो इस तरीके से यूज होगा स्टैंड अप। तो चार सीखे आपने, अवेक, वेक अप, गेट अप एंड स्टैंड अप। सो आई होप इन कमिंग टाइम आपको जब भी ये यूज करना होगा तो आप अच्छे से यूज कर पाएंगे विद कॉन्फिडेंस। सो यूज कीजिएगा, अपने स्पोकन को इंप्रूव कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस टाइम।